कॉस्टा का वैल्यू क्या होता है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस है देखिए ए बी, राइट, ए बी क्या है बेस, तो लिख दीजिए यहाँ पे बेस के लिए आप क्या लिखोगे, साइड लिखोगे ए बी, राइट। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो बी सी, बी सी है हाइपोटेनस, हो गया लिख दिए। अब ए बी का वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको, तो आपने यहां पे लिख रखा है ए बी 12 सेंटीमीटर, तो यहां पे 12, और बी सी का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, राइट, तो 12 बाई 13 हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं टेन थीटा, समझ में आ रहा है बच्चों, टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिख दीजिए टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में ढूंढिए परपेंडिकुलर, आपने लिख के रखा है परपेंडिकुलर, देखिए पी जो कि एसी के बराबर है, तो लिख दीजिए पी क्या हो जाएगा, साइड लिखना पड़ेगा ना, और बेस, बेस परपेंडिकुलर तो लिख दिया एसी, बेस क्या है, बेस क्या है ए बी है, तो लिख दीजिए ए बी, राइट। अब एसी का वैल्यू लिखिए, परपेंडिकुलर एसी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो एसी का वैल्यू कितना है, एसी के बदले हम 5 लिखेंगे, और ए बी, ए बी देखिए कहा है, ए बी, ए बी क्या जो कि बेस था, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 5/12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाले। इसके बाद अगर कॉसेक की बात करते हैं, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, लिख दीजिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है, ऐसे देखिए यहां पे आपने लिख के रखा है बीसी, और बेस क्या है परपेंडिकुलर, सॉरी पी क्या है, पी है एसी, तो लिख दीजिए एसी। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, बीसी और एसी का वैल्यू लिखिए, तो बीसी पता करिए, देखिए बीसी का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर और एसी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, राइट। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया 13/5 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। चलिए अब दो बचे हुए हैं, सेक थीटा की बात करते हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो देखिए ढूंढिए यहां पे आपने इस ट्रायंगल से हाइपोटेनस कौन सा निकाला था, तो जो कि बीसी के बराबर है, और बेस जो कि एबी के बराबर है। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, राइट, बीसी का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो 13 और एबी मतलब 12 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब लास्ट वन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, देखिए बेस है हमारा बीसी, बीसी बी, बी क्या है बेस, तो एबी वो क्या है, एबी के बराबर है, और परपेंडिकुलर एसी के बराबर है। अब वैल्यू लिख दीजिए, एबी का है 12 सेंटीमीटर और एसी का है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 3 या 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। सिर्फ आपको ये क्या करना है, आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि कौन सा राइट एंगल, कौन सा एंगल राइट एंगल पे है, कौन सा एंगल राइट एंगल पे है, और ये जो वैल्यूज दिए हुए है, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा, ये आपको पता चल गया, तो आप सारे एंगल्स या जो साइन थीटा या कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो आप पता कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मैं और एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप करके दिखाइएगा।